समासान.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भांडे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक डिप्टी कलेक्टर और एक एसडीएम के बीच की कहानी जो सभी को चौंका कर रख देगी। जी हाँ, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर के बीच काफी समय से अफेयर चल रहा है और जब इस बात की जानकारी उनकी जज पत्नी को लगी तो पत्नी ने रात में पहुंचकर हंगामा कर दिया और काफी देर तक वहां पर गहमा गहमी बनी रही। काफी समझाइश के बाद पत्नी मानी और उसने ये मामला शांत किया। देखिए क्या हुआ इस हमारी पूरी रिपोर्ट में। दरअसल ये वाकया है महिला डिप्टी कलेक्टर रुचि शर्मा और एसडीएम भागवत जायसवाल के बीच की, जहां दोनों को रंगरेलिया मनाते हुए रंगे हाथों एसडीएम भागवत जायसवाल की पत्नी ने पकड़ लिया और फिर वहां पर काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। पत्नी को जब पता चला कि दोनों गेस्ट हाउस में एक ही रूम में रुके हुए हैं तो पत्नी गुस्से में खुद ही गेस्ट हाउस पहुँच गई। ये गेस्ट हाउस NTPC का है जो एयरपोर्ट रोड फ्लावर वैली कॉलोनी के बंगला नंबर 22 में मौजूद है। वहाँ उसने देर रात अपनी नज़रों के सामने पति को महिला डिप्टी कलेक्टर के साथ देख लिया और देखते ही जज की पत्नी भड़क गई और तत्काल पुलिस को इस बात की सूचना दी। जज पत्नी की शिकायत के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश दी। हालांकि पत्नी इस बात में अड़ी हुई थी और बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी। समझाने बुझाने के बाद एसडीएम की पत्नी शांत तो हो गई, लेकिन इस मामले को लेकर देर रात तक खूब बवाल मचा। ये भी आपको बताते चले कि एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर के बीच प्यार खुल्लम खुल्ला चलता रहता है। उनको सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी साथ साथ देखा जाता है। इसके अलावा भी वो ऐसे भी साथ नज़र आते रहते हैं और फेसबुक पर भी दोनों के फ़ोटोज़ काफ़ी पोस्ट होते रहते हैं और दोनों एक दूसरे के फ़ोटोज़ को टैग भी किया करते हैं। और इस बात की जानकारी जब जज पत्नी को लगी तो उन्हें इस बात का काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने वहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया। और एसडीएम के अपने खुद के बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आ रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।